दोस्तों हमारे पास इतना बड़ा एक बॉक्स आया है जिसमें एक सीपीयू का कैबिनेट है, तो इसका आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या इसका बिल्ड क्वालिटी कितना बढ़िया है और कितना प्राइस में मुझे ये मिला है। ठीक है, सारा कुछ डिटेल्स में बना हुआ। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं इसका, तो चलिए आइए अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत ही बड़ा बॉक्स है, तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। जेब्रोनिक का है, आप देख सकते हैं कि इसका USB 3.0 भाई साहब, लगता है सिर्फ डब्बा ही डब्बा है क्या? इसके अंदर कुछ है भी या नहीं? अभी तक दो डब्बा को फाड़ दिया, बहुत ज्यादा थक गया। रुको पानी पी के आता हूं। हाँ तो पानी पी के आ गया हूं, अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों बहुत मुश्किल के बाद ये मिला है, चलिए इसको निकालते हैं। देखो देखो भाई साहब, एक बात और क्लियर कर देता हूं, लगभग इसको अनबॉक्सिंग करते करते लगभग 4-5 किलो जो है वहां पे कूट हो चुका है। इसका जो डब्बा है 4-5 किलो का हो चुका है। इसको जला करके आग तापेंगे, बहुत ही सुकून मिलेगा, तो ये बहुत बढ़िया अच्छी बात है। चलिए अब इसको अंदर देख लेते हैं कि और क्या क्या मुझे मिल रहा है। चलिए सबसे पहले इस फोम को हटाते हैं, तो इसको फोम को रखते हैं साइड में और इस फोम को भी रखते हैं साइड में। और ये रहा हम सब का कैबिनेट, और ये जो है टेम्पर ग्लास कैबिनेट है, तो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम लोग। तो अब कैबिनेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा, एलईडी लाइट को आप कंट्रोल कर सकते हैं यहीं से। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर माइक का और यहाँ पर आपको यूएसबी का पोर्ट मिल जाते हैं, बहुत सारे पोर्ट मिल जाते हैं। आगे की साइड आपको यहाँ पर टेम्पर ग्लास के साथ यहाँ पर 3 जो है वो RGB लाइट फैन है, तो इसको हम लोग सेटअप करेंगे, उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टेम्पर ग्लास है और इसको बहुत ही बढ़िया लुक है। और साथ ही साथ इस तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी टेम्पर ग्लास जो है
इस साइड से भी लगाया गया है ताकि इसके अंदर का जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया बाहर देखने को मिलेगा। और मैं आपको सभी को बता दूं कि यह जो है कैबिनेट, ये गेमिंग कैबिनेट है, तो इसको अगर आप परचेज करना चाहें तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, सिंपल सा आप वहां से जाकर के इसे खरीद सकते हैं यानी परचेज कर सकते हैं। और पीछे की साइड में आपको दिखा दूं तो आप पीछे की साइड भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है वो पावर सप्लाई बहुत ही बढ़िया इसमें अटैच हो जाएंगे और बहुत सारे इसमें जो कंपोनेंट है वो सब यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फैन है और यहाँ पे आप फैन लगाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो प्रोटेक्शन के लिए जो यहाँ पे कवर दिया गया है, इससे आपको गंदगी जो है वो अंदर की तरफ नहीं जाएगी। आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं और चाहे तो आप इसे लगा सकते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर जो है जो होता है चम्मुक उस तरह से यहाँ पे चिपक जाता है, तो इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे चिपक गया, ऐसे करिएगा आप चिपक जाएगा, तो ये बहुत ही बढ़िया है। और इधर से आपको बहुत सारे वायर के जो है कनेक्शन वायर यहाँ पे अटैच करके रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप वायर लगाएंगे बहुत सारे तार तो वो इधर के साइड आप आराम से रख सकते हैं। तो ये रहा अनबॉक्सिंग और मुझे उम्मीद है ये अनबॉक्सिंग आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा, कुछ अलग आपको नया तरीका से मैं अनबॉक्सिंग किया हूँ, तो उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो आपका दोस्त इस तरह का अनबॉक्सिंग देखना पसंद करते हैं तो उसके साथ भी आप शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल 3 RGB लाइट है और एक ऊपर की साइड लगेगा, तो इस जब यह कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं आपको आगे एक फ्रेश वीडियो में आप सभी को दिखा दूंगा इसका फुल वीडियो ट्यूटोरियल, ठीक है, क्या क्या चीज़ मैंने इस CPU में लगवाया है, क्या क्या चीज़ मैंने यूज किया है, सब डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। तो यार वीडियो में बस इतना ही, तो यार उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।